अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। इन दिनों देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना भी जारी है। हाल ही में राजस्थान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने जो कहा वो देश की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहा है। बहरहाल अब इस पूरे मामले ने देश में तूल पकड़ लिया और इस तरह की जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इस जंग में राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने मानसिक अविकसित संतान तक कह डाला है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। मैं इतना ही कहूंगा कि एक विदेशी मां की मानसिक तौर पर अविकसित संतान से जो उम्मीद की जा सकती है वही राहुल गांधी बोले हैं। वो जानते हैं पनौती क्या होता है। राजस्थान में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप हारने के लिए जिम्मेदार बताया और यहां तक कि उन्हें पनौती कह डाला। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में पहले ही कांग्रेस और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया और अब पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने भी इस पूरे मामले में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी को भी जमकर कोसा है। पवैया ने राहुल गांधी को विदेशी माँ की मानसिक अविकसित संतान कह डाला। दरअसल पवैया ने कहा कि एक विदेशी मां की मानसिक अविकसित संतान से जो उम्मीद की जा सकती है वही सब राहुल गांधी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जयभान सिंह पवैया ने आगे कहा कि वे जानते हैं पनौती क्या होती है। पवैया ने कहा, सोनिया गांधी को निशाना बनाया और कहा कि पनौती तो देश के लिए तभी तय हो गई थी जब राजीव गांधी इटली से पनौती ले आए थे। इसके बाद पवैया ने अहमदाबाद में हुए मैच का जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी अहमदाबाद में मैच होने की आलोचना करते हैं क्योंकि अहमदाबाद मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में है, इसलिए गुजरात से घृणा करना कौन सा तर्क है। इसके आगे पवैया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर को सोनिया गांधी को अब बदल देना चाहिए क्योंकि इस तरह की शब्दावली देश माफ नहीं करेगा। के प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने पनौती कहा। मैं इतना ही कहूंगा कि एक विदेशी मां की मानसिक तौर पर अविकसित संतान से जो उम्मीद की जा सकती है वही राहुल गांधी बोले हैं। वो जानते हैं पनौती क्या होता है। पनौती तो उसी दिन तय हो गई थी भारत के लिए जिस दिन इटली के एक रेस्तरां में राजीव गांधी जी एक लेडी वेटर पर सम्मोहित हो गए थे और तब से वो जो इटली से पनौती लाए उसको आज तक मेरे देश को झेलना पड़ रहा है। आप अहमदाबाद में मैच होने की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य होने के कारण आप गुजरात से घृणा करने लगे, अहमदाबाद से घृणा करने लगे, ये कौन सा तर्क है। क्या कांग्रेस के लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के इसी पारिवारिक और आत्मीयता के कारण, इसी हौसला अफजाई के कारण हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर तिरंगा गाड़ने में कामयाब हो सके। जब वैज्ञानिक असफल हुए तो प्रधानमंत्री के गले लिपटकर रोए थे और प्रधानमंत्री ने जब पीठ ठोकी तो उसका नतीजा हमने चंद्रमा पर देखा। हमारी सरकार के पहले हिंदुस्तान में कितने गोल्ड मेडल खिलाड़ी लेकर आ रहे थे लेकिन खिलाड़ियों को जाते समय टेलीफोन करना, जीतने के बाद में मैच खेलने के बाद भारत में अपने घर बुलाकर प्रधानमंत्री का परिवार की तरह उनको स्नेह देना, दुलार देना, इसी हौसला अफजाई ने गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी हिंदुस्तान में। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई स्क्रिप्ट राइटर है राहुल गांधी जी का,
उस स्क्रिप्ट राइटर को सोनिया जी बदलवा दें, इस तरह के शब्दों को हिंदुस्तान न स्वीकार कर। राजनीति के लगातार गिरते स्तर पर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कितना जायज है? बहरहाल सवाल तो ये भी है कि देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ साथ आखिर गुजरात से भी इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? 2017 में देश की मर्यादा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का गान गाने वाले ये राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश का भी अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाषाई अमर्यादा का नुकसान कांग्रेस को लोकसभा 2024 में उठाना पड़ सकता है। प्रसाद की तरीके से मानता हूँ। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।